दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिक वेब में। IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए आई एक साथ दो बड़ी अपडेट, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने बताया हार का यह बड़ा कारण। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट, रविचंद्रन अश्विन को नंबर 3 पर भेजने की क्या रणनीति थी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरें पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, IPL 2022 का 24वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से मात दी। गुजरात के खिलाफ इस मैच में राजस्थान टीम के कप्तान संजू सैमसन ने चौंकाने वाला फैसला लिया था। उन्होंने स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था। हालांकि अश्विन के फेल होने के साथ ही ये संजू सैमसन का यह दाव भी असफल ही साबित हुआ। अश्विन ने 8 बॉल पर 8 ही रन बनाए, मैच हारे वो अलग। मैच के बाद संजू सैमसन ने अपने इस फैसले को लेकर बड़ी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि IPL 2022 सीजन शुरू होने से पहले ही मेगा ऑक्शन के बाद उनकी टीम ने अश्विन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की रणनीति बनाई थी। संजू ने कहा, मैं पिछले सीजन तक लगातार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करता रहा हूं। यही वजह रही कि हमने यह रणनीति बनाई कि मैं नंबर 4 पर या बैटिंग के लिए आऊंगा, जहां टीम को जरूरत हो अश्विन शानदार ऑलराउंडर साबित होंगे। संजू ने बताया कि अश्विन भाई टॉप ऑर्डर में शानदार काम करेंगे। यदि आप पिछला मैच देखो तो उसमें मुश्किल हालात में अश्विन ने सिमरन नटमायर के साथ बड़ी पार्टनरशिप कर मैच जिताया था। हम उनका सही यूज कर रहे थे। उन्होंने राशिद खान के खिलाफ अच्छी बैटिंग की। मुझे लगता है कि वह शानदार ऑलराउंडर साबित होंगे। यही सब हालात में उनके सही इस्तेमाल पर निर्भर करता है। दूसरी बड़ी अपडेट, कप्तान संजू सैमसन ने कहा कि हम कह सकते हैं कि हमारी टीम ने 15-20 ज्यादा रन दे दिए। हालांकि गुजरात टीम के बल्लेबाजों को भी श्रेय देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे पास विकेट बाकी होते तो हम मैच निकाल लेते। रन रेट के मामले में हमारी स्थिति बहुत ठीक थी, हम आगे थे, लेकिन विकेटों के मामले में पिछड़ गए। टीम को तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की कमी खली थी। वे आखिरी प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे। यही कारण है कि राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।